बड़ी खबर मुंबई से। अब तक के सबसे बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुंबई के मशहूर एचएल हीरा नंदानी अस्पताल में चल रहे अवैध किडनी रैकेट का खुलासा किया है और इस मामले में अस्पताल के सीईओ से लेकर कई बड़े डॉक्टर्स के भी इसमें शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने हीरा नंदानी अस्पताल के सीईओ सुजीत चटर्जी और मेडिकल डायरेक्टर अनुराग नाइक को अरेस्ट किया है और मामले में अब तक कई और दूसरे डॉक्टर समेत कुल मिलाकर 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मामले के तार दूसरे राज्यों गुजरात और राजस्थान तक फैले हुए हैं। पुलिस ने जिन 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें अस्पताल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर समेत 5 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। मुंबई में यह अब तक का सबसे बड़ा किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियों के होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तीन चार महीना प्रेशराइज किया तो बेचारे ने मजबूरी में आके किडनी दिया। जितने भी डॉक्टर हैं सबका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल की जाए। मुंबई के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल एलएच हीरा नंदानी अस्पताल में चल रहे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। डॉक्टर से लेकर अस्पताल के सीईओ अस्पताल में किडनी रैकेट के धंधे में शामिल थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज किडनी रैकेट के खुलासे के बाद अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुजीत चटर्जी, मेडिकल डायरेक्टर अनुराग नाइक और कई बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े पैमाने पर सीनियर डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई के पवई में स्थित हाई प्रोफाइल हीरा नंदानी अस्पताल के सीईओ समेत 5 डॉक्टर को पवई पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम आपको बता दें किडनी ट्रांसप्लांट मामले में इन 5 की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले बीती 14 जुलाई को यहां एक मामला सामने आया था। एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट यहां हुआ था उसने पुलिस को ये खबर दी थी कि यहां जो है किडनी ट्रांसप्लांट होता है और गरीबों का जो किडनी दिया जाता है इसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। इस मामले को मुंबई पुलिस ने गंभीरता से लिया। उसके बाद 14 जुलाई को 4 लोगों को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया और लगातार गुजरात और राजस्थान से भी इसके तार बताए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों की मदद से पहले नकली रिश्तेदार तैयार किए जाते थे और फिर अवैध तरीके से जरूरतमंद को किडनी बेची जाती थी। इस रैकेट का सरगना एक किडनी ट्रांसप्लांट के बदले में 25 से 30 लाख रुपए लेता था, जबकि किडनी डोनर को महज कुछ हजार रुपए देकर ही चुप करा दिया जाता था। मामले का खुलासा पिछले महीने की 14 जुलाई को हुआ, जब एक किडनी डोनर ने सामाजिक संस्था के साथ मिलकर रैकेट का भंडाफोड़ करवाया। मेरी टीम के साथ में मेरे पास एक इन्फॉर्मर आया हुआ था तो उसने हमको बताया वो हीरानंदनी में ही काम करता था। 17 मार्च को उसका किडनी निकाला गया था, 22 तारीख को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो उसको जो तय किया जो रकम थी उन्हें दी थी, तो उसका कहना क्या था कि मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई दूसरे के साथ ना होना चाहिए। तो उसने हमारे पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए, जैसे फेक वोटिंग कार्ड, फेक मैरिज सर्टिफिकेट, बाद में हीरानंदनी हॉस्पिटल का सेटिंग करके डॉक्टर उसका ब्लैंक लेटर उसके पास मिला हुआ बाहर एजेंट के पास उसके पास। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक इस पूरे मामले में गुजरात और राजस्थान से भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने अब तक इस फर्जीवाड़े से करीब 50 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आज सबसे बड़ी हमारी जीत क्या हुई थी, 5 डॉक्टर जो हम पहले से एक महीने से कह रहे थे कि डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना डॉक्टर और एजेंट के साठ गांठ से इतना बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये रकम सबको जाती थी। तो आज जाके इतना डिले होने के बावजूद आज जाके चैटर्जी और जितना हीरानंदनी का जो सीईओ इतना बड़ा हॉस्पिटल उसका सीईओ उसके साथ में 4 डॉक्टर जो अरेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हीरानंदनी के और लोग अरेस्ट होंगे इतना डिले। मैं चाहता हूँ ये जो केस है इसको क्राइम ब्रांच में दी जाए और जितने भी डॉक्टर हैं सबका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल की जाए। पुलिस ने अब तक सिर्फ 4 केस में ही छानबीन शुरू की है। साथ ही पुलिस हीरा नंदानी अस्पताल में हुए अब तक के सभी किडनी ट्रांसप्लांट के फाइल्स को दोबारा से खंगालने में लगी है। सभी आरोपियों पर मानव अंग प्रत्यर्पण कानून 1994 के तहत केस दर्ज किया गया है। नित्यानंद शर्मा, मुंबई, जी मीडिया। तो हॉस्पिटल के सीईओ की गिरफ्तारी हुई है, मेडिकल डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही कुल मिलाकर 12 गिरफ्तारियां। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी कविता शर्मा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कविता, अब आगे की इन्वेस्टिगेशन का दायरा कितना पुलिस बढ़ाएगी, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड बाहर के भी कुछ नाम सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि इसका रैकेट सिर्फ मुंबई नहीं बाहर तक फैला हुआ है।
बिल्कुल पूर्णिमा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं। जितने भी आरोपी हैं जिन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें अंधेरी कोर्ट में आज 1 बजे तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब तक इस पूरे मामले में, और हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये किडनी रैकेट बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार 50 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी कंसल्टिंग डॉक्टर्स थे, और ये सारे ही डॉक्टर्स मुंबई के सभी बड़े अस्पतालों में भी कंसल्टिंग करते हैं, तो क्या सिर्फ हीरा नंदानी तक ही तफ्तीश होगी? ऐसा मानना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जब पुलिस है इस पूरे मामले में सीईओ को गिरफ्तार कर चुकी है, मेडिकल डायरेक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है, और यही अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जितने भी कंसल्टिंग डॉक्टर थे क्या वो इस तरीके के डोनर को लेकर आते थे और उनका ट्रांसप्लांट इस हीरा नंदानी अस्पताल में होता था, ऐसा भी माना जा रहा है। और पुलिस इस लाइन पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है, और लगातार जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है, जो डोनर्स हैं उन्हें कम कीमत दी जाती थी अपने किडनी डोनेट करने के लिए, और उन्हें अलग अलग मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से लाया जाता था, जहां पर गुजरात और राजस्थान का जिक्र हुआ है। ऐसे में जो एजेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, और गुजरात और राजस्थान से ये लोग महाराष्ट्र तक और मुंबई के इस अस्पताल तक कैसे लाए जाते थे, ये भी बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल कविता, इन सभी चीजों के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। इससे पहले दिल्ली में हमने बड़ा खुलासा देखा किडनी रैकेट से जुड़ा हुआ, और अब मुंबई में भी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।